नहीं रहे बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार वाजिद खान। हाल ही में बॉलीवुड को 2020 में एक और झटका लगा। पहले इरफान खान और फिर ऋषि कपूर और अब संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के। वाजिद खान का 42 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया। वाजिद खान के निधन की खबर सुनकर प्रियंका चोपड़ा और सोनू निगम समेत कई बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए वाजिद खान को श्रद्धांजलि दी। संगीतकार वाजिद खान को किडनी की समस्या के चलते करीब 60 दिनों से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया गया है कि उन्होंने कुछ समय पहले किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी। वहीं करीब 3 दिन पहले उनमें कोरोना के लक्षण भी दिखे, लेकिन उनकी मौत कार्डियक अरेस्टेट से हुई है। साथ ही संगीतकार वाजिद खान डायबिटिक भी थे। वाजिद फेमस तबला वादक उस्ताद सराफत खान के पुत्र थे। वहीं आपको बता दें मशहूर संगीतकार वाजिद सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वाजिद खान के सगे भाई साजिद खान हमेशा उनके साथ पिल्लर की तरह खड़े रहे, चाहे बात प्रोफेशनल लाइफ की हो या पर्सनल की। वाजिद को अपने भाई का हर जगह सपोर्ट मिला, यहाँ तक कि दोनों ने एक साथ मिलकर अपने हिट सॉन्ग व कंपोजिशन बनाए हैं। साजिद वाजिद ने सन 1998 में सलमान खान स्टार प्यार किया तो डरना के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी। सलमान खान की फिल्मों के लिए दोनों भाई ने कई गाने भी गाए, इनमें से चोरी चोरी, हेलो ब्रदर्स, मुझे शादी करोगी, पार्टनर, वांटेड व दबंग भी शामिल है। वहीं आपको बता दें वाजिद खान ने सन 2003 में यास्मीन खान से शादी की थी, जिससे उन्हें दो कपल बच्चे भी है, जिसमें एक बेटा और बेटी है।